अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अभी जो है बाबा जी, आज है जुमा, नहीं आज नहीं जुमा, कल था, हफ्ता हो गया। पापड़ बेच ला पहले। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग डाला था जिसमें मेरा रिजल्ट आया था, अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा तो जाके देखो और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, कुछ नहीं होता यार, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर बात यह है कि अभी जो है ना, जो रिजल्ट आया था ना मेरा, वो सिर्फ ऑनलाइन था। अभी कॉलेज में आया रिजल्ट और वो है रिजल्ट कार्ड। ठीक है, रिजल्ट कार्ड लेने जाना है मैं और फरूक। फरूक को मैंने बुलाया और फरूक आता है तो फिर हम चलते हैं। हेलो जी भाई, आ गया भाई, दो मिनट, एक मिनट, एक भाई, एक मिनट भाई। फरूक की कॉल थी और अभी जो है फरूक कह रहा है कि मैं नीचे आ रहा, मैं आ गया। ठीक है, तो अभी खैर मैं चलता हूँ और फरूक के पास चलते हैं। फरूक के पास जाके नहीं, नहीं मतलब अभी फिर यार हम चलते हैं कॉलेज। कॉलेज जाके फिर हम जो है रिजल्ट कार्ड पकड़ेंगे अपना, कोई शुगर वगैरह रोल करेंगे और फिर घर आ जाएंगे, बस तरह से बात है। कॉलेज बाबा जी पहुँच गए, फरूक भाई हमारे साथ हैं और अभी जो है ना विंडो बंद है, रिजल्ट नहीं मिला हमें, तो इसीलिए जो है ना मैं कह रहा हूँ कि भाई फिर घर चलते हैं। और क्या है यहाँ पे कॉलेज में काम कुम तो है नहीं कोई, तो या तो फिर पहले चक्कर लगाएंगे कॉलेज में, फिर कुछ खाते पीते हैं, यार बड़ी भूख लग रही है इस टाइम, फिर जो है घर चलते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी तुम ये पार्क देखो, ये हमारी छोटी सी एक छोटा सा गार्डन है मैंने ना हमारे लिए। ठीक है, मैं एक साइड पर आया हूँ अभी क्योंकि यहाँ पर कोई होता नहीं है अक्सर, बाहर जो है ना बड़ी आवाम है, तो फिर मैं पता है फिर यार शर्मीला सा आदमी हूँ मैं, क्या करूँगा वहाँ पर, शर्म आती है यार आवाम में ब्लॉग बनाते हो, इसलिए बस अब देख लो ये कि जगह मैं घूमने जा रहा हूँ। फरूक भाई हमें देख रहे हैं कि क्या कर रहा है बंदा। अभी जो है हम फिर चलते हैं, खैर खाली गिलास से देखते हैं, कुछ चक्कर लगाते हैं, फिर घर चलेंगे, यही हो सकता है। गुलशन पार जा सकते हैं। चलो देखो, हमारा ओल्ड फ्रेंड कफारा भाई मिले हैं, खेल रहे हैं यहाँ पे, इनसे जरा बात करते हैं। जी शिराज भाई, कब से आ रहा है, अबे वजह लगी तेनु, कब से आ रहा है तू, कब से आ रहा है कॉलेज? मैं यार महीना हो गया, एक क्लास नहीं ली आज तक। जहन्नमी 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 जहन्नमी। अच्छा अच्छा, ते की पार्क जी कर रहे फिर? पार्क जे यार इधर बच्चियां छिटियां बेच रहे हैं, लंग रही हैं। चलो ताड़े टीममेट तानू गाला दे रहे ने, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। ये देखो ये हमारा ना यहाँ पे हो रहा है कंपटीशन हो रहा है, तो फरूक भाई कह रहे हैं हम लूडो में लेते हैं हिस्सा। मैंने कहा भाई ले लो, टीमिंग ही है, कर लेते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई, नंबर अच्छा आ गया तो जीत जाएंगे। ये जी हमारी पार्किंग है छोटी सी, ये होती है वी आई पी बंदों की पार्किंग। ठीक है, ये छोटी पार्किंग जो कि वी आई पी बंदों के लिए, जैसे टीचर्स और मैं, समझा करो। और जो दूसरी पार्किंग है वो है कॉलेज वाला के लिए, उधर वाली साइड में, तुम्हें पहले भी दिखाई हुई है, अगर तुम लोगों ने देखा नहीं है व्लॉग एक मेरा पहले वाला, जब हम कुछ करने आए थे कॉलेज में, तो जाके देख लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, वीडियो को कमेंट भी कर देना, यार कैसा लगा था व्लॉग। खैर फिर अभी हम चलते हैं कहीं और, यहाँ पर तो भाई मतलब चला लेती हुई है, कुछ मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद जो किस्मत देगी हमारा साथ, जब जैसे तो वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आए हैं ऊपर, छत पर चढ़ गए हैं हम, ऊपर चबूतरे पर आ गए हैं। मतलब यहाँ पे ना गुलशन पार्क में एक है क्या कहते हैं, पहाड़, हाँ पहाड़ सा बना हुआ है, यहाँ पे हम ऊपर आगे बैठे हैं, नीचे आबादी है। देखो यहाँ पर ट्रिप आई है बच्चों की, ट्रिप इधर देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ऊपर, इन्होंने आना भी ऊपर ही आना, नीचे से हम ऊपर आए हैं, ऊपर थोड़े चल रही है, नीचे आर्श हो रही है, ट्रिप्स आई हुई बच्चों की छोटे छोटों की। ये वाले जो भाई हैं ना, ये लोग पुण्य कमा रहे हैं, मछलियों को दे रहे हैं पानी, मछलियाँ भी बना रहे हैं बोस, थोड़ी वीडियो भी यहाँ देनी बनती बन जाती है यार भाई। अभी मेरा और फरूक का हो गया कंपटीशन। ठीक है, तो ये जो है ना, जितने ज़्यादा उसके लगेंगे ना इस पॉन्ड के अंदर, क्या कहते हैं उसे, जितने जंप करेगा वो, जितने ठप्पे लगेंगे उसके, ठीक है, तो उतना उसके पॉइंट होंगे और जिसके ज़्यादा होंगे मतलब वो जीतेगा। ठीक है, जाहिर है। तो फिर अभी हम जो है ना शुरू करते हैं, ये देखो जी मेरा वट्टा है। ठीक है, इसको मैं उतरी मांग, ओ भाई साहब बड़ा बचाओ यार, मैं अभी गिरने वाला था, मैंने अभी अंदर चले जाता, इसके डूब जाना था मैंने, फिर व्लॉग कौन करता आगे आपको लोगों के लिए, बताओ जरा मुझे घुटनों कितना पानी है ना। चलो एक लगा सिर्फ दो यार, नहीं भाई मेरा बड्डा खराब था, मैं दोबारा करूँगा। पता क्या हुआ है, मैंने आदमी ना मोबाइल पकड़ा हुआ था, इसलिए मेरा सही नहीं हुआ, मैं एक और बट्टा ढूंढता फिर तेरे करके दिखाता हूँ। देखो गोल पत्थर ढूंढने हैं, फिर जो इसका जो फ्लैट एरिया होता है उसको रखना नीचे, ऐसे पकड़ना है इसके ऊपर, अपनी फिंगर करनी है राउंड, ठीक हो गया। अब आपने इसको ना ऐसे अपनी कलाई को घुमा के, ठीक है, कलाई को घुमा के सामने की तरफ वट्टा फेंकना है आपने, ताकि जो है वट्टा उसके ऊपर फ्लिप करे, जंप करे। फिर अभी हम करते हैं, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ऐसे करके एक दो तीन चार पाँच छः
ओ भाई साहब इतना कर सकता मुझे इतना कर सकता नहीं ओ ग्रेट आदमी हूँ मैं छोड़ दे तू बातें बस यार तू कर तू कर मुझे बटन ढूंढ एक दो करना देखते हैं तेरे पहले दो हो गए थे ना तू नहीं जीत सकता लोग यहाँ पर मछलियों को खाना देने आए हैं और ये मछलियों के सिर पे पत्थर मार रहा है ज़ालिम इंसान नहीं भाई सर पे नहीं मार रहा मैं वैसे मैं तो आगे आगे फेंक रहा हूँ मछलियाँ तो यहाँ हैं यहाँ पे थी वो दरमियान में मछलियाँ थोड़ी होती है वैसे भी मछलियों को पता चल जाता है कि कौन बगैरती कर रहा है तो हम भाग जाए यहाँ से कोई बगैरती कर रहा है तो हमें भागना चाहिए प्लान में उस्मान को प्रैंक करने का कि जब उस्मान आएगा ना तो उसे मिल के हम कहेंगे चलो अब घर चलें ठीक है जैसे वो एंटर होगा पार्क उस टाइम उसको मिलकर कहेंगे चलो अब घर चलें ठीक है तो अभी उस्मान आता है फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और उसका रिएक्शन कैसा होता है प्योर प्रैंक प्रैंक करेंगे हम कहीं मतलब स्क्रिप्टेड प्रैंक नहीं होगा समझ रहे हो देरी तो वैसे उसने गालियाँ ही है फिर भी कोशिश करेंगे वो गालियाँ ना दे ना आ गए अभी इसको देखते हैं क्या कहता है भला इसको मिल के ना हम कहते हैं ओके भाई चलें चलाओ घर चलते हैं वो सामने आ रहा है अगर तुम्हें इसकी टांगे टूंगे नज़र आ रही तो बताना मुझे है साँच हीर भी है उधर से चलो इधर से चल दो ना छोकरी बैठे देखते हैं आप क्या करता है हैं ना वीडियो ना रोला दे थोड़ा वीडियो ना भाई ये देखें भाई मेरे पर तशद्दुद कर रहा है सर मेरी आईजी पंजाब से दरख्वास्त है कि ए शायद जट भी आ गए आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं आपको क्या कह रहा है क्या है मैं तो मुझे क्या ना ओए बेवकूफ आदमी ने बंद कर दिया मैंने प्रैंक खत्म हो गया सुबह से जो है ना मैंने नाश्ता नहीं किया था और पार्क में जब थे हम उस्मान आए थे तब एक बोतल पी थी और जो वहाँ से घर आए वापस आने वाले थे तब एक बोतल पी थी उसके बाद हम घर आके भी बैठे ही थे तो मैं मतलब मैं ही बैठा था घर आके बैठा ही था मैं तो उस टाइम फिर उसने एक और कॉल की और कहता था कि भैया जब मैच खेलने जाने मैंने कहा भाई मैं तो बहुत थका हूँ पहले से तो मैं नहीं मैच खेल सकता फिर मुझे वो घर आके उठा के लेके गया फिर हमने एक और मैच खेला एक हम गेम गए घर के पास एक पार्क है वहाँ पे दोबारा गेम गए वहाँ पे जाके मैच खेला तकरीबन ढाई घंटे दोबारा से पार्क में मैंने तकरीबन बिताए थे ढाई तीन घंटे हमने पार्क में लगाए थे और अभी फिर हम दोबारा एक और पार्क में गए वहाँ जाके हमने जो है ना मतलब क्रिकेट खेला अभी जो है जिसमें टूट रहा है ऐसा दर्द हो रहा है ना कि बस छोड़ दो बातें तो उम्मीद है तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल करो बेल आइकन को दबा देना ताकि तुम्हें सारे व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे इफ़ यू आर अ ट्रू शिराजी तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन जरूर दबा दो और कमेंट करना ज़रूर और कमेंट करना आई एम अ शिराजी ठीक है आई एम अ शिराजी तुमने कमेंट करना है और उसके बाद जो है फिर हम मिलेंगे किसी और ब्लॉग में तो तब मतलब भी मैंने रिजल्ट नहीं मिला हुआ मुझे और जो है ना रिजल्ट जल्दी ही मिल मतलब जो दोबारा मिलेगा तो फिर एक और नहीं लगेगा ठीक है अभी मैं सोने वाला हूँ और फिर सो के पता नहीं कब आँख खुलती है सुबह खुलेगी कि रात को ही खुल जाएगी क्योंकि जब मैं जल्दी सोता हूँ ना तो रात को आँख खुल जाती है 3 बजे 2 बजे इस तरह खुलती है रात को बड़ा डर लगता है फिर मुझे मोबाइल यूज़ करना पड़ता है इसलिए जो है हम अभी के लिए सो जाते हैं फिर पता नहीं कब आँख खुलती है और ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे यार बातें बहुत लंबी करता हूँ मैं तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़